रखा गया है और आज का ये पहला मैच अच्छी गेंद हल्की सी अपील लेकिन अंपायर पे इसका कोई असर नहीं। हालांकि बल्लेबाज सुरक्षित अंपायर ने अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए व्हाइट बॉल का इशारा किया और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन बिना किसी नुकसान पर। जबकि पूर्णिया चैलेंजर लीग का 13वां मैच रामबाग और टीएनटी के बीच खेला जाएगा। फिर मैच भी 11-11 ओवर का होगा। एक बार व्हाइट बॉल के रूप में एक और अतिरिक्त रन और स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। जबकि पहला ओवर प्रगति पर एक बार फिर से नवरत्न छोर से तैयार वचस्पति अच्छी बॉल पटकी हुई बॉल कोई मौका नहीं दिया दोनों बल्लेबाज को और एक ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा है 7 रन बिना किसी नुकसान पर। काफी मशक्कत के बाद आज का 12वां मैच चलता हुआ महाकाली सुपर जॉइंट्स और रामबाग सॉरी वीवीआईटी के बीच पूरा बोलना जरूरी है। के पवेलियन में जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगी कृपया उसे खाली कर दें, वो सिर्फ खिलाड़ियों के लिए रखा गया है। यदि आप तक मेरी आवाज जा रही है तो कृपया खाली कर दें। एक बार पटकी हुई गेंद खेल दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर के लिए 6 रनों के लिए और इसी 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 13 रन। अपने ही घर में अपने पूर्णिया की पूर्णिया चैलेंजर्स लीग क्रिकेट की बारिश अच्छा शॉट निकलता हुआ नितिन कुमार शाह के बल्ले से और इसी 6 रन के साथ उन्होंने अपनी खाता खोला। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को और बॉल सीधे विकेट कीपर के हाथों। और दर्शकों में काफी उत्साह
अंपायर का नो बॉल का इशारा और फ्री हिट। अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन होते हैं, कृपया खिलाड़ियों से आग्रह कि वो अमल करें। फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज और स्कोर अभी भी रुका हुआ 15 रन। हेलो, थोड़ा दोनों अंपायर से मेरा निवेदन है कि वो क्लियर कर दे कि नो था या नहीं था, नो बॉल नहीं था। तीन बॉल एक बार फिर से उठा के खेल दिया है 6 रनों के लिए। अंपायर ने दोनों हाथों को उठाते हुए अपने पूर्णिया के बल्ले से निकलता है शानदार छक्का और इसी 6 रन के साथ स्कोर जा पाता है 3-0। झालम चमकेगा, मौके मिलेंगे, किस्मत जगेगी, सपने सजेंगे। पूर्णिया की कमेटी मेंबर और यहाँ आए सारे अतिथि एक बार फिर से हवा में बॉल और अंपायर का नो बॉल का इशारा। हालांकि यदि ये नो बॉल नहीं होता तो एक बड़ी सफलता मिल सकती थी विद्या बिहार की टीम को, लेकिन अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया और खिलाड़ी सुरक्षित और इस नो बॉल के अतिरिक्त रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। पुणे क्रिकेट एसोसिएशन के कमेटी मेंबर और हमारे पुणे चैलेंजर लीग के सारे कमेटी मेंबर और आए हुए अतिथि खिलाड़ियों के कड़ी मेहनत के बाद चलता हुआ पुणे चैलेंजर लीग का ये 12वां मैच विद्या बिहार विकिंस और महाकाली जेंट्स के बीच। माइक को इसे पकड़िए, कैसे भी पकड़िए। बहुत ही अच्छी गेम, क्लीन बोल्ड किया लेकिन कोई फायदा नहीं। इससे पहले नो बॉल था और ये फ्री हिट का बॉल था जिसमें विकेट गिरने के बाद भी खिलाड़ी काफी खुश नजर आते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छी बॉलिंग का बहुत ही अच्छी बॉलिंग किया सुभाष चंद्रा ने, काफी अच्छे बॉलर के रूप में जाने जाते हैं सुभाष चंद्रा। एक बार फिर से पटकी हुई बॉल दर्शकों में काफी उत्साह, थोड़ी सी कंफ्यूजन, दोनों ही निर्णायक आपस में बातचीत करते हुए। देखना होगा कि इसे नो बॉल दिया जाता है या नहीं। हालांकि दर्शकों में काफी उत्साह, निश्चित तौर पर ये नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। काफी अनुभवी अंपायर हैं,
हमारे दोनों ही एम्पायर्स और इस एक और अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। एक बार फिर से अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को शॉट लगाने का। बल्लेबाज चुके और बॉल सीधे विकेट कीपर के हाथों और इसी दो ओवर की समाप्ति पर 3 का कुल स्कोर जा पहुंचा है 22 रन बिना किसी नुकसान के। किसी का खोल के लगाओ ना, डिस्चार्ज होगा तब कमेंट्री करने का। ऐसे चोरी हो जाएगा, तुम यहाँ बैठे चोरी कैसे हो जाएगा? हाँ तो बस सेट चोरी हो जाएगा तो भूल गए तुमको दिए, तुम अपना पास में रख लो मोबाइल को, तुम अपना घर लेके चल जाओ मोबाइल। फोन करेंगे तो बोलना कि भैया आप हमको दिए थे चार्ज करने के लिए, हम रख ले। साकिब अल गनी के बल्ले से निकलता हुआ ये खूबसूरत शॉट स्क्वायर लेग क्षेत्र में सीमा रेखा से बाहर, मैक्सिमम 6 रन के लिए। हल्ला बोलेगा, गेंद गरजेगा, हल्ला मचेगा, उम्मीद सजेगी, टैलेंट चमकेगा, मौके मिलेंगे, किस्मत जगेगी, सपने सजेंगे, आने को है तूफान। क्रिकेट बार पॉइंटर गली के बीच अपने पूर्णिया की अपनी है लीग, बोलेगा गेंद गजेगा, हल्ला मचेगा, उम्मीद सजेगी, जालम चमकेगा, मौके मिल। स्कोर को पहुंचाया 33 रन। जी हाँ बिल्कुल, खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए साकिब अल गनी। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, पूर्वानुमान के अनुसार 12 तारीख के बाद मानसून आने वाली है, लेकिन साकिब अल गनी की तूफान कल ही आई थी। 140 रन का स्कोर बनाए थे नाबाद साकिब अल गनी ने, और अभी 21 रन के योग पर बल्लेबाजी करते हुए
गेंद गरजेगा, हल्ला मचेगा, उम्मीद सजेगी, टैलेंट चमकेगा, मौके मिलेंगे, किस्मत जगेगी, सपने सजेंगे, आने को है तूफान। जी हाँ बिल्कुल, तूफान आने को नहीं, तूफान आ चुके हैं साकिब अल गनी के रूप में। 27 रन के योग पर बल्लेबाजी करते हुए साकिब अल गनी महज 15 गेंदों में 3 छक्के और 2 चौके की मदद से 3 ओवर की समाप्ति पर 41 रन बिना किसी नुकसान के महाकाली सुपर जायंट्स। मैं बता दूं कि कल साकिब अल गनी ने 140 रन की नाबाद पारी खेली थी, एक सुनामी सी आई थी साकिब अल गनी के बल्ले से, 140 रन नाबाद। और आज 27 रन के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए साकिब अल गनी। महाकाली सुपर जायंट्स का स्कोर 41 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार नितिन कुमार बिट्टू के बल्ले से 4 रन के लिए स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 11 ओवर का यह मैच है। बारिश ने थोड़ी सी खलल जरूर डाली है इस टूर्नामेंट में। जी हाँ, मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि कल रात भी बारिश हुई थी, आज दिन में भी बारिश हुई है, उसके बाद भी अगर पूर्णिया चैलेंजर लीग का यह मुकाबला चल रहा है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छी गेंदबाजी यहां पर भास्कर दुबे के द्वारा। हाँ, इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रन के लिए साकिब अल गनी के बल्ले से। बारिश में जाओगे भी अपने पूर्णिया की अपनी हेली, बदला बोलेगा, गेंद गरजेगा, पूर्णिया चैंपियन लीग में साकिब अल गनी 2 शतक लगा चुके हैं अभी तक। हवा में जरूर थी गेंद लेकिन क्षेत्ररक्षक पहुंच नहीं पाए, अभी भी सुरक्षित। आने को है तूफान, क्रिकेट का ये तूफान, अपने ही घर में अपने पूर्णिया की पूर्णिया चैलेंजर्स लीग। और इतनी बारिश के बाद भी अगर आज मैच हो रहा है तो उनका श्रेय है विकास कुमार, रोहित कुमार, प्रेम प्रकाश और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर नितिन कुमार बिट्टू, विजय भारती,
सारे खिलाड़ी और हमारे खास करके रोहित कुमार जिन्होंने काफी मेहनत, उनके साथ विकास कुमार जिनके बदौलत आज ये मैच हो रहा है। और हमारे बाहर से आए हुए खिलाड़ी ने भी काफी मदद किए हैं, चाहे वो सचिन सिंह हो या बिहार के जितने भी खिलाड़ी पूर्णिया में आए हुए हैं, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। बॉल शायद बॉल घूम गई है, बारिश में जाओगे भी अपने पूर्णिया की अपनी हली,
बल्ला बोलेगा गेंद गजेगा हल्ला मचेगा उम्मीद सजेगी चालन चमकेगा मौके मिलेंगे किस्मत जगेगी सपने Thank you.
6.5 ओवर के समाप्ति के बाद 79 पर 3 विकेट महाकाली जेंट्स। महाकाली जेंट्स का 7 ओवर के समाप्ति के बाद 79 लॉस ऑफ 3 विकेट्स।
for two. Three. Eight overs. At the end of 8 overs, Mahakali Super Giants 97 for 3. It's 50 for Saqib Ul Ghani, 50 runs. बारिश में जाओगे भीग अपने पूर्णिया की अपनी है लीग बल्ला बोलेगा गेंद गजेगा हल्ला मचेगा उम्मीद सजेगी डालम चमकेगा मौके मिलेंगे किस्मत जगेगी सपने सजेंगे It's five balls. I want to correct the umpire. Just five balls has been bowled. Sirf 5 ball is over mein hua hai. Kindly complete the over. Thank you. नौ ओवर की समाप्ति पे महाकाली सुपर गाइंस 109 पे 3 साकिब उल गनी बैटिंग ऑन 50 इन 30 बॉल्स विद द हेल्प ऑफ 4 फोर्स एंड 4 सिक्सेस राजेश सिंह बैटिंग ऑन 22 इन 9 बॉल्स विद द हेल्प ऑफ 2 फोर्स एंड 2 सिक्सेस
सुभाष चंद्र अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। पहला ओवर काफी महंगा साबित हुए थे, पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे। दस ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 126-3 महाकाली सुपर गायंस का। ये आखिरी ओवर होगा मैच का, सॉरी इस इनिंग का। साकिबुल गनी 59 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे बैटिंग कर रहे हैं 33 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों के हेल्प से। राजेश सिंह ने एक बेहतरीन सपोर्ट दिया है, 30 रन किया है उन्होंने 12 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों के हेल्प से।
कौन था? एक बेहतरीन कैच सुदर्शन ने पकड़ा है अभी धर्मवीर कुमार डीके के बॉल पे और इस तरीके से साकिबुल गनी का इनिंग यहां खत्म हुआ 59 रनों पे 33 गेंदों में। साकिबुल गनी ने अपने बैटिंग से इस टूर्नामेंट में दिखाया है कि वो क्यों इतने हाईली रेटेड प्लेयर हैं और जितने भी यंगस्टर्स या टीममेट उनके यहां उनका क्रिकेट देख रहे हैं वो उनके स्कोर कार्ड को देख सकते हैं, उनके बैटिंग स्टाइल को देख सकते हैं, वो उनके हर एक इनिंग को फॉलो कर सकते हैं। वो अपने आप पे एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। इस इनिंग की आखिरी तीन गेंदे दर्शक से अनुरोध है प्लीज ग्राउंड में इंटर ना करें, बारिश के वजह से काफी समय बेकार हुआ है तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरी इनिंग तुरंत प्रारंभ की जाएगी। प्लीज आप कोऑपरेट करें और ग्राउंड से खुद को दूर रखें। ग्राउंड थोड़ा सा गीला होने की वजह से आपके आने से उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं, प्लीज ग्राउंड में ना आए। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आपका आभारी रहेगा और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स आपके लिए लाते रहेगा। आपका कॉपरेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है और आपके इस कॉपरेशन के लिए पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन आपको धन्यवाद देता है। थैंक यू। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टिपुलेटेड 11 ओवर्स महाकाली सुपर गायंस स्कोर्ड 142 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। So target will be 143 in 11 overs for Vidya Vihar Vikings. Match will, second inning will start in next 10 minutes.